दोस्तों, वेलकम बैक। हैप्पी दिवाली। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। आज है संडे और दिवाली पे यहाँ पे छुट्टी तो होती नहीं है, तो अच्छा है कि संडे है तो फुल हाउस है। वैसे मैं हमेशा छुट्टी लेती हूँ, पर हाँ, अनुज बच्चे सारे ही जाते हैं। हाफ डे तक तो घर खाली खाली ही होता है, बट आज पूरा घर भरा हुआ है। और लास्ट ईयर से वैसे भी हमारी दिवाली में काफ़ी रौनक रहती है हमारे घर में। हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं जो वैंड्रूफ में रहते हैं, तो दिवाली पर अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता ना, तो वो भी आ जाते हैं। लास्ट ईयर भी आ गए थे वो। और जब से मैंने जॉब स्टार्ट किया है, मेरी कुलीग लीजा लास्ट ईयर वो भी आई थी, इस बारी रियानन भी आने वाली है, तो दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे। और दिवाली ना सबको पता है, लाइक ये वर्ल्ड फेमस फेस्टिवल है, इतनी ज़्यादा रौनक रहती है ना, मे बी फायरवर्क्स और सजावट के कारण इंटरनेशनली फेमस फेस्टिवल। कि लास्ट ईयर जब लीजा आई थी तो उसको इतना अच्छा लगा था कि उसी ने रियानन को बोला कि तुम्हें भी आना होगा, बहुत मजा आता है, फन होता है, और उसको लड्डूस तो इतने ज्यादा पसंद आते हैं। तो 1 month पहले से उसने बोल दिया कि मैं आ रही हूँ दिवाली तुम्हारे घर में। का बिल्कुल मोस्ट वेलकम। तो अच्छा लगता है जब दूसरे कल्चर के लोग आपके कल्चर को इतना रिस्पेक्ट देते, प्यार देते, इतना इंटरेस्ट शो करते, इट फील्स सो गुड, राइट? तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसन के लड्डू से। तो शाम को पूजा होगी और मैं हमेशा बेसन के लड्डू ही चढ़ाती हूँ, तो अभी सारा कुछ क्लीन कर लिया है, तो पहले लड्डू बना के शाम की पूजा के लिए रख देती हूँ। उसके बाद हमारी नॉर्मल कुकिंग स्टार्ट होगी। दुर्गा पूजा के टाइम ये वाला लॉज का कास्ट आयरन का पैन लिया था मैंने, तो इतना अच्छा इसमें प्रसाद बन जाता है, हलवा। और आज फर्स्ट टाइम बेसन के लड्डू बना रही हूँ, तो आई एम श्योर कि बेसन में बहुत अच्छे से भुन जाएगा और नीचे लगेगा नहीं। और धनतेरस में मैं सोच के गई थी, छोटी सी स्टील की कढ़ाई लेनी थी मुझे, पर कुछ पसंद नहीं आया। विनर्स गई थी, वॉलमार्ट गई थी, बट कुछ पसंद नहीं आया, तो जस्ट शगन के लिए जो सर्विंग स्पून टाइप्स होते हैं ना, नाइस हैवी है, $3 के थे, तो ये दो ले लिए। आप लोगों ने क्या लिया धनतेरस पे मुझे जरूर बताना। बेसन भुन चुका है, अच्छी वाली खुशबू आ रही है, तो अभी ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद चीनी मिक्स करके फिर लड्डू बनाएंगे। पहले ना मैंने 2 cup का बनाया और फिर मुझे काफी कम लगा, कितने सारे लोग हो जाएंगे, एक एक लड्डू भी दो तो ऑफकोर्स उसके बाद भी एक्स्ट्रा तो रखना ही होता है ना, तो फिर मैंने दोबारा से काम अपना ही बढ़ा लिया। अंदाजे में ना मैं थोड़ी कच्ची हूँ, इसलिए मैं हमेशा ज़्यादा ज़्यादा बना लेती हूँ कि कम ना हो। अभी गोभी को सुबह ही वॉश करके रख दिया था, तो आलू और गोभी दोनों के अलग अलग पराठे बनेंगे। सारे मसाले ऐड कर लिए हैं, पर नमक अभी ऐड नहीं किया है। जब पराठा बनाना स्टार्ट करूंगी तब नमक ऐड करूंगी। पहले से डाल दो ना तो पानी छोड़ देता और फिर सारे गोभी के पराठे ना फट जाते हैं। आलू के पराठे में ऐसा नहीं होता, आलू में पहले नमक डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, बट गोभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो बेसन ठंडा हो गया है तो ये मसाले रख देते हैं अंदर, साथ साथ क्लीनिंग करते रहो तो अच्छा है। जब बहुत सारी कुकिंग करनी होती है ना, तो अगर फैला हो ना किचन और ज्यादा हड़बड़ी लगती है, तो इसलिए साथ साथ क्लीन अप। अभी तो 8 ही बजे हैं, कोई उठा नहीं है, तो ब्रेकफास्ट बाद में बनाएंगे, लड्डू बना लेते हैं पहले। हमारा जूस काउंटर देखो कितना प्रोडक्टिव है, दिवाली के दिन भी बंद नहीं होता। हैप्पी दिवाली फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, नहीं बंद होता, छुट्टी होगी तो जूस तो बनेगा ही, जूस तो बनेगा ही। यहाँ पे गोभी के पराठे और आलू के पराठे बनेंगे, तो आलू भी बॉयल हो गया, अभी थोड़ा ठंडा हो जाए फिर उसको मिक्स करके आलू गोभी के पराठे बना दे। हाँ, बस एक काम करना ना, 2 अलग अलग पराठे रखूंगी, एक बाइट आलू के खाना, एक बाइट गोभी के खाना, हो गया आलू गोभी के पराठे। पराठे की प्रिपरेशन हो गई है, तवा चढ़ा दिया है, और साथ साथ डिनर की भी तैयारी करती रहूंगी। लंच आज का सॉर्टेड है, कल डिनर पे फ्रेंड्स आए थे तो खूब सारी दाल मखनी बची हुई है, थोड़ी सब्जी भी है, तो उससे हो जाएगा। और डिनर के लिए वही छोले और पनीर मखनी बनाऊंगी, और इसमें ज्यादा मिर्ची नहीं डाल सकती क्योंकि जो ऑफिस के फ्रेंड्स हैं डेफिनेटली उनको उतना स्पाइसी खाने की आदत नहीं है ना,
तो ज्यादा मिर्ची नहीं डालूंगी, वैसे भी पनीर मखनी तो थोड़ा मीठा मीठा ही अच्छा लगता है, और उनको छोले और पनीर ये दोनों ही चीज काफी ज्यादा पसंद है, और साथ में पूरियां तो रहेंगी, स्नैक्स एंड ऑल भी रहेगा। तो धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट करते हैं। हमारे घर में दिवाली के दिन ऑलरेडी पटाखे फूट रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो इंसान है ना, मी, इन्होंने बहुत गड़बड़ किया है। कुछ तो सेट कर रहे थे ईशा के आईपैड पे, और उसके सारे ऐप डिलीट कर दिए, मैसेंजर, रोड ब्लॉक्स, जो भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती थी उसमें पॉइंट्स एंड ऑल बनाए हुए थे। अभी ट्राई कर रहे रिट्रीव करने का, लेकिन पटाखे फूट रहे हैं, पटाखे। हाँ, छोले बन चुके हैं, पनीर मखनी की मखनी रेडी है, बस पनीर ऐड करना है। समझ गए? ऐसे ऐसे लो, ऐसे 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 करो। हो गया खाना वाना, 4 o'clock हो रहे, और दृक् पंचांग जिसमें मैं टाइमिंग्स एंड ऑल चेक करती हूँ ना, तो 4:30 से ही मुहूर्त स्टार्ट है, 4:30 से 6:30 है पूजा का मुहूर्त। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि सब आए मैं पूजा कर लेती हूँ, और आज तो साड़ी पहन नहीं था, करवा चौथ वाले दिन मिस हो गया था। पूरे साल में यही 1-2 दिन तो होता है जब मैं साड़ी पहनती हूँ, तो करवा चौथ वाला मिस हो गया, तो दिवाली वाला मिस नहीं होगा। ये वाली साड़ी मैंने लास्ट ईयर करवा चौथ पे पहनती, और ये ना बहुत हल्की है ये साड़ी, तो इसको पहन के काम करने के लिए सही रहेगा, और सारा कुछ मुझे आराम से मिल भी गया। इस बारी मैंने 1-2 दिन पहले ही सारी तैयारी करके रख दी थी, अदरवाइज सेम डे अगर ढूंढने जाओ ना फिर तो कुछ नहीं मिलता, और फिर एंड में होता है कि जो सामने है वही पहन लो। तो बच्चों का, अनुज का, सबका रेडी करके मम्मी ने सुबह प्रेस करके रख दिया था, तो अभी फटाफट से तैयार हो लेते। तैयार तो क्या ही होना होता है, आप लोग को पता ही है, मुझे कुछ ज्यादा करती तो नहीं। लाइनर मैंने पहले ही लगा लिया, थोड़ा सा हेयर स्ट्रेट कर लिया है, बस साड़ी पहनेंगे और लिपस्टिक लगाएंगे। इतनी हल्की साड़ी है ना, पता भी नहीं चल रहा है कि साड़ी पहनी, और काम तो करना ही है, भागा भागी भी करना ही है, तो ये बेस्ट है। बस एक पिन लगाना है यहाँ पे, मैं डर रही थी कि पता नहीं ये टाइट ना हो, मुझे टाइट तो है बट आ गया। बहुत ही प्यारी साड़ी है ये, पूरी ना एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बर्ड, बहुत प्यारा कलर है। आप सब तैयार हो गए ना, अब लग रहा है दिवाली है, दिवाली है, दिवाली है, हैप्पी दिवाली। ये मेरा जैकेट है। और मैच कर गया है, वैसे इतना कलरफुल है ना कि किसी के साथ भी मैच करेगा, बट हाँ हेयर कट करा के एकदम जा भी रॉक स्टार लग रहा है। रैपिंग अपनी स्टार्ट कर दे, तू वैसे भी गाना तो गाता ही है, हाँ स्टार्ट कर दे, एकदम डीजे वाला बाबू हो जाएगा तू। गणेश जय, गणेश जय, गणेश देवा, माता जाके पार्वती, पिता महादेवा। चलो आप लोग भी आरती ले लो, हैप्पी दिवाली। सबसे इम्पोर्टेंट काम हो गया, पूजा हो गई, अब पेट पूजा की तैयारी। तो आज मैंने, वैसे जनरली पकोड़े बनते हैं या फिर आलू वड्डा बनाती हूँ दिवाली पे, बट आज फॉर अ चेंज आलू टिक्की बनाएंगे। बनाओ जी, खिलाओ जी, खिलाओ जी, खिलाओ। दिवाली दिवाली खेल रहे हैं जैसे इंडिया में गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, थोड़ी फीलिंग ले रहे हैं। हैप्पी दिवाली। मीठा खिलाओ, क्या कर रहे हो? देखो इधर, देखो
Basin? Good? Who's getting water? Yeah. Awesome. मैं खाती नहीं यूजुअली बेसन का लड्डू, बट आई एट अ होल लड्डू. बहुत टेस्टी लड्डू, बहुत टेस्टी बना. सबको मैंने बोला है तारीफ करो, नहीं तो पूरी छोले नहीं मिलेंगे. क्या लड्डू है. तो हमारी चाट की दुकान रेडी हो गई है. आलू टिक्की चाट है और पापड़ी चाट है. मिक्स भी मिलेगी. चंडीगढ़ की याद आई. अमृतसर की याद आ गई. हम तो ठंड में जैसी बाहर निकलते ना, अनुज का फर्स्ट, काश ये चंडीगढ़ होता, गरम गरम सूप बन रहा होता, आलू टिक्की बन रही होती, वो खुशबू. स्पेशली ठंड में ना मन करता है खड़ोड़े का सूप. चंडीगढ़ में सामने वो सैमुअल के बगल में जो कॉर्नर वाला. बेटा दही थोड़ा कम, इतना ही टेस्ट नहीं आएगा इसलिए बोल रही हूँ. और हमारी ये शायद चाट की कटोरी. I'm cooking so much since yesterday. I'm Harry Potter. Can I hold it? Hey, can I do it? 11:30 हो रहे, पार्टी डन. सक्सेसफुल पार्टी इज डन. खूब मजे किए बच्चों ने तो, बहुत ज्यादा एंजॉय किए. लीजा और रियानन आई थी ना, बड़े स्वीट है दोनों के दोनों. मतलब रियानन तो फर्स्ट टाइम आई थी, बट लगा नहीं कि फर्स्ट टाइम आई है घर पे. वैसे वो हमारे वीडियोस देखती है तो वो खुद ही बोल रही थी कि मुझे लगा नहीं कि मैं तुम्हारे घर में फर्स्ट टाइम आ रही हूँ. बहुत स्वीट है. खाना तो इतने शौक से खाया ना, एक्चुअली खाना बना के ना मन खुश हो जाता है. सारी ना मतलब जितना भी आप टायर्ड होते हो ना, मेहनत सफल हो जाती है जब कोई इतने प्यार से खाता है. बहुत सब कुछ खाया, एवरीथिंग पूछ के इसके इसमें तुमने क्या डाला है, ये कौन सा स्पाइस है, मतलब फुल ऑन इंटरेस्ट लेके. कल का तो पूरा आराम है, कुकिंग नहीं करनी है, किचन बंद है मेरा. जिसको जो खाना है फ्रिज खोलो, निकालो, गरम करो, खाओ. मैं आपके साथ मैं आपके साथ, जैसा आप बोलोगे हम वैसा कर लेंगे. तो बस कल का आराम है, इसी बात की खुशी है. और बस अच्छे से हो गया सब, मजा आया दिवाली में. तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा. उम्मीद करती हूँ आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी गई होगी. हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी. तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल.